लॉयंस क्लब नोएडा का एक कार्यक्रम सेक्टर 11 नोएडा में आयोजित 19 तारीख को होने जा रहा है। लॉयंस क्लब नोएडा और दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान अनुज आज हमारे साथ हैं। 19 तारीख को वो क्या करने जा रहे हैं आइए उनसे पूछते हैं और उनकी बातों में आपको क्या क्या झलकता है, ऐसे कार्यक्रम क्यों और किस लिए आवश्यक हैं ये श्रीमान अनुज जी हमें बताएंगे। अनुज जी आपका स्वागत है HMTV लाइव में। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप हमें ये बताइए जो आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप जो 19 तारीख को जी, तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इतनी धूमधाम से शहर में पूरे में आपने होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, पूरा प्रचार किया हुआ है, बड़े ज़ोर से इसको मनाने जा रहे हैं, क्या कारण है? सर, लॉयंस क्लब दिल्ली नोएडा का डांडिया महोत्सव है दिवाली के उपलक्ष्य में। ये बेसिकली पारिवारिक मिलन है। इसमें हम चाहते हैं लोग परिवार से परिवार जुड़े और एक अच्छा मैसेज समाज में जाए, इस वजह से कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आज के इस युग में जो परिवार से परिवार मिलना नहीं चाहता, पड़ोसी से पड़ोसी मिलना नहीं चाहता, और एक ऐसे समय में, और जो नोएडा एक हाईटेक सिटी है उसके अंदर अनुज जी ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वास्तव में एक बहुत सराहनीय कार्य है। अनुज जी ये बताइए कितनी बड़ी संख्या आपके इस कार्यक्रम में आने वाली है? इसमें उम्मीद तो लग रही है 1500 से 2000 लोगों की, क्योंकि इसमें हमारे इंडियन आइडल के सिंगर मोहित चोपड़ा भी आ रहे हैं और सभी हमारे क्लब मेंबर्स मिलके इसमें लगे पड़े हैं, तो ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश है हम लोग। अनुज जी हमें ये बताइए, संस्था आपकी जो है लॉयंस क्लब, लॉयंस जो वर्ड है इंग्लिश में शेर कहते हैं जो, यानी शेरों का क्लब कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, पर फिर भी हम ये कहेंगे लॉयंस क्लब, तो लॉयंस क्लब नोएडा में कितने साल से काम कर रही है? ये संस्था लॉयंस क्लब दिल्ली नोएडा करीबन 32 सालों से नोएडा में काम कर रही है, जिसमें इसका अपना निःशुल्क फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास है जो कि जिसमें हमारे 125 बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री में, प्लस हमारी लाइब्रेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट वो है, ऐसे काफ़ी अन्य कार्य हमारी लॉयंस क्लब दिल्ली नोएडा कर रही है अपने 32 सालों से। जैसा आप देख रहे हैं आज मेरे साथ में अनुज जी हैं, संदीप जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रदीप जी हैं, और ये तीनों सभी इस लॉयंस क्लब नोएडा के जो है बहुत उच्च पदाधिकारी हैं। अनुज जी हमें ये बताइए जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं 19 तारीख को, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को आपने कैसे ध्यान में रखा, क्योंकि 2000 फैमिली वहाँ पे आएंगी, महिला आएंगी, पुरुष आएंगे, साथ में बच्चे भी आएंगे, तो उनकी सुरक्षा का क्या व्यवस्था क्या आपने की है? सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से हमने पुलिस प्रशासन से भी सुरक्षा मांगी है, जो उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। अपनी तरफ से भी हमने 10-15 गार्ड्स नियुक्त करे हैं, प्लस 8 CCTV कैमरे लगाए हैं हमने। JP हॉस्पिटल द्वारा 2 एम्बुलेंस प्लस डॉक्टरों की टीम दी जा रही है, तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो आप समझते हैं सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होगी आपकी ये? बिल्कुल। अच्छा, संदीप जी हमारे साथ हैं, संदीप जी से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं इस 19 तारीख के डांडिया नाइट के बारे में। संदीप जी, ये 19 तारीख के डांडिया नाइट के लिए हमने क्योंकि जो कोशिश पूरी की है कि शहर के जो सारे जो सोशल पर्सनस हैं उन वो सब फैमिली के साथ एक प्लेटफार्म पर आकर मिलें, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग संस्थाओं में तो मिलते रहते हैं, सबके प्रोग्राम हैं दिवाली मिलन के, रामलीला के, लेकिन इस त्यौहार के मौके पर हम ये चाहते थे कि शहर के सभी जो हमारे जो मौजूद आदमी हैं वो सारे फैमिली के साथ एक प्लेटफार्म पर आकर मिलें। उसका हमारा पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को एक साथ परिवार सहित यहाँ जोड़ें। तात्पर्य ये, आप आइए, एक पारिवारिक कार्यक्रम है, नाम डांडिया रात नाइट है, लेकिन बात है सिर्फ परिवारों को जोड़ने की, और जो नोएडा हाईटेक सिटी शहर है ये, इसके अंदर बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो परिवारों को जोड़ा जाए। मैं राजकुमार अग्रवाल HMTV लाइव के लिए नोएडा सेक्टर 11 से।